सबसे पहला तो इस सावन की इंतजार किया जाता है कि शंकर भगवान और भोला बाबा का जल ढारेंगे, लेकिन सावन आने से पहले मेरे शंकर बाबा आ गए हैं। यही स्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये रूपोली दिखा दिया, आज रमजान का भी दिन है, फिर आप आगे देखिए सावन भी है। बोले ये जनता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। रूपोली जो है सभी नेता को नकार चुका है। मैं हूं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। शंकर सिंह के जीतने के बाद ही समर्थकों में काफी खुशी दिखाई दे रहा है। लोग अबील गुलाल लगा करके अपनी खुशियों को जाहिर कर रहे हैं। आइए, हमारे साथ उनके समर्थक हैं, उनसे जानते हैं कि क्या शंकर सिंह जीत चुके हैं, क्या कितने थे शंकर सिंह जीत गए हैं। उनकी जीत की खुशी ही इतना है जो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, जितना ही बोलेंगे वो कम ही होगा। सबसे पहला तो इस सावन की इंतजार किया जाता है कि शंकर भगवान और भोला बाबा का जल ढारेंगे, लेकिन सावन आने से पहले मेरे शंकर बाबा आ गए हैं। यही एक खुशी है। और ये आज जो गुमराह में रखते हुए जो अभी तक चल रहे थे, जितने भी थे नेता लोग, हमारे विधायक बने, सभी को गुमराह में रखे थे, वह गुमराह को आज खोल दिया गया है। और सभी जनता भी इतना खुशी है कि गरीब की जनता है और उन्होंने विधायक बनाया, और सब के कण कण में ये बसे हुए हैं। और क्या बोले, इससे कम ज्यादा बोले तो कम ही रहेगा। और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या लगता है, शंकर सिंह जीत गए हैं। रूपोली की जनता पक्ष विपक्ष को नकार के शंकर सिंह को चुना है। वो भगवान के रूप में है जनता वहाँ की, वो अपना फूल आशीर्वाद देके इनको विजय बनाए। ये याद आ गया, बच्चा में हम लोग पढ़ा करते थे, पढ़ने से पहले प्रार्थना गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। तो ये रूपोली दिखा दिया, आज रमजान का भी दिन है, फिर आप आगे देखिए सावन भी है। ये एक दोनों अल्लाह और ईश्वर दोनों का शक्ति, और गरीब देवता गरीब भगवान का जो स्नेह और प्यार विधायक जी को मिला है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तीन कैंडिडेट थे, लगातार विधायक उसको पांच कर्म से विधायिका थी, लेकिन क्षेत्र में विकास के नाम पर नगन थी। मतलब ना तो कहीं कभी किसी मोहल्ले में आई, न कभी किसी के शादी में आई, न कभी किसी की मैयत हो गया तो उसमें आई, तो लोग नकार दिया। हॉस्पिटल में भी नहीं आए। और लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या इतने बड़े बड़े मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी को जनता नकार दिया। ये सभी जाति वर्ग का वोट है। बोले ये जनता की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। रूपोली जो है सभी नेता को नकार चुका है। क्या लगता है इस बार जो दलीय प्रथा है, जो आरजेडी जदयू जो जितने भी दल है, क्या उसकी तरफ पब्लिक का रुझान अब नहीं रहा है, दिलचस्पी नहीं रहा, जो जनता के बीच में नहीं आएंगे? कभी नहीं, जनता जो है हमेशा उसको नहीं देखेंगे, कैसे लगता है? देखिए, यहाँ तो जनता की जीत है, जनता को चाहिए विकास। शंकर सिंह ने यहाँ विकास ही विकास मिलेगा। शंकर सिंह के लिए सभी आदमी, सभी जाति, सभी वर्ग उठ करके वोट किए हैं। धर्म संप्रदाय से आगे बढ़ के वोट किए, हिंदू मुस्लिम सभी जाति हम लोग मिल के वोट किए हैं। क्या लगता है इस बार? इस बार तो यही लग रहा है कि यहाँ का जनता ने जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट किया है, और लोगों में नजर आया, कहीं न कहीं शंकर सिंह में नजर आया, लोगों को लगा कि उम्मीद कि ये आगे कुछ काम करेंगे, और लोगों ने इनको वोट दिया, अच्छा खासा मतों से जिताए हैं। अच्छा, ये बताइए आप क्या करना चाहते हैं? शंकर सिंह जीत चुके हैं, उसको लेकर कितना खुशी है आपको? हम लोग खुशी इसलिए हैं, बहुत उत्साहित हैं। शंकर सिंह जिंदाबाद, रूपोली का घर जिंदाबाद, पार्टी से खड़ा नहीं होने देंगे, निर्दलीय को करे दे हर बार। जो ये भी शंकर सिंह के ही समर्थक है, क्या शंकर सिंह को जीत को लेकर कितने खुश आप लोग दिखाई दे रहे हैं? जीत की तो
काफी उत्साहित हैं और खुशी भी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले रुपोली की महान जनता, भगवान जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने विश्वास जनमत के साथ जो आशीर्वाद दिया है और भाई शंकर सिंह की जीत सुनिश्चित हुई है और जो 25 साल का तपस्या है वो पूर्ण हुआ है। और मैं युवा चुनाव प्रभारी कुमार आनंद, निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है वो अनवरत हम लोग जिस तरह से 24 साल काम करते आए और हम लोगों ने आपके हर समस्याओं में आकर काम किया उसको मैं हमेशा आगे निरंतर पूर्ण करता रहूं। शंकर सिंह की अगली प्राथमिकता क्या होगी? जीत के बाद शंकर सिंह जी की पहली प्राथमिकता होगी कि जो वहाँ जन समस्या है, जन समस्या में जैसे आपको पुल की समस्या है, जहाँ आपको सड़क की समस्या है और अपराध जो चरम सीमा पर है उस पर अंकुश लगाना, सुरक्षा, स्वास्थ्य में जो है आपको अस्पताल में जो अपडेट मुहैया नहीं हो पाता है उसको करना इनका मुख्य रहेगा। देखिए प्रणाम करता हूँ, मेरा शंकर जी विजय हुआ। आज 24 साल जो हम लोग खेत का बूटा लगा रहे थे 24 साल का फल चखने के लिए अभी मिला हुआ है। हमारे विकास अभी हमारे बीमा भारतीपुर विधायक थे वो कोई विकास नहीं कर पाया। हम लोग जोश जज्बा के साथ हम शंकर सिंह को विजय बनाए, धन्यवाद। मेरा ये कहना है ये रुपोली की जनता की मेहनत का फल है, वो इतना मेहनत किए हैं, वोट दिए भी हैं, दिलाए भी हैं और ये सेमीफाइनल है, फाइनल जो है हम लोग इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं और इनको जिताएंगे। बड़े बड़े विधायक सांसद सब मेरे घर पे आए, 50 विधायक सांसद हमारे घर पे आए हैं लेकिन किसी को हमने सम्मान नहीं दिया शंकर जी को छोड़ के कि इनको इस बार निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सब जात इनको वोट दिया है। मेरा नाम भास्कर कुमार, बिरौली से वार्ड पार्षद है। यहाँ के समर्थक से हम बात किए, उनके समर्थकों का साफ तौर पे कहना था कि हम लोग जो है शंकर सिंह को विकास के नाम पर ही वोट दिए हैं। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जहाँ दलीय राजनीतिक में जाति समीकरण को देखते हुए टिकट दिया जाता है और उस अनुसार से कैंडिडेट का चयन किया जाता है, लेकिन हम लोग रुपोली के तमाम जनता जो है निर्दलीय प्रत्याशी को चुने इसको लेकर की गरीब के बीच में वो हमेशा रहते हैं इसके नाम पर वोट दिए। पूर्णिया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अंकित कुमार की एक रिपोर्ट।